हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीना ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम हलवाई जैसा बालूशाही बनाएंगे। बालूशाही बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है, 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल लिया है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर लिया है। तो पहले हम मैदे में बीच में गड्ढा कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें 50 ग्राम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम रिफाइंड ऑयल में ही चुटकी भर बेकिंग सोडा डालेंगे और छोटे चम्मच से आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को तेल में ही मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद हम फिर सबको मैदे में अच्छे से मिला लेंगे और पानी हाथों से पानी के छींटे दे दे के हम उसे मिलाएंगे, गूथेंगे नहीं, बस हमें इसे पानी के छींटे दे दे के मिलाने हैं। और जैसा मैं दिखा रही हूँ आप ऐसे ही करिएगा। और मिलाने के बाद हमें इसको साइड में रख देना है, मैक्सिमम आधा एक घंटे के लिए हमें इसको साइड में रख देना है। और साइड में रख के एक घंटे बाद ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा, तो फिर हम इसे थोड़ा सा मिलाएंगे। उसके बाद इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम। छोटे छोटे पेड़े बनाने के बाद सारे आटों के, उसके बाद हम इसे बालूशाही का शेप देंगे। बालूशाही का शेप देने के लिए हम एक लोई लेंगे, लोई को अपनी हथेली पे रख के थोड़ा सा दबा देंगे। उसके बाद उंगली की सहायता से बीच में गड्ढा करेंगे और दोनों साइड से देखिए हमारा बालूशाही जैसा ही लग रहा है। ऐसे ही हमें सारे पेड़े को कर लेना है। उसके बाद हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे, ऑयल को हम धीमी आंच पे गरम करेंगे और उसके बाद सारे सारे बालूशाही को उसमें डाल देंगे और इनको धीमी आंच पे ही अपने आप गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये अपने आप गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, तेज मत करिएगा आंच। उसके बाद देखिए हमारे कितने अच्छे बालूशाही गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इन्हें धीमी आँच पर ही मैंने पकाया। उसके बाद हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने इस छोटे डब्बे से एक डब्बा चीनी लिया था और आधा डब्बा पानी लिया था। उसके बाद चाशनी हमारी बन गई। चाशनी में हम सारे बालूशाही डुबो देंगे, मैक्सिमम 15 मिनट के लिए हम सारे बालूशाही को डुबोएंगे और उसके बाद हमारी बालूशाही तैयार है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।